हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में कंटिन्यूटी के। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि जो लास्ट हमारे 3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, एंड एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी में बेटा किस तरीके के सवाल बनते हैं आपकी उसकी भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। लास्ट लेक्चर बेटा हम थ्योरम्स देख रहे थे कंटिन्यूटी के, और मैंने उसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा और लिखवाना बचा है, वो हम करेंगे, और फिर हम अपना बेसिक जो थ्योरी है और क्वेश्चन सॉल्विंग है वो आज के भी लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारा एक पॉइंट लिखना रह गया था, मैंने आपको लास्ट पॉइंट ये लिखाया था कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो और दूसरा फंक्शन जी एक्स अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो जो दोनों का सम और डिफरेंस होता है वो 100% डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में आप डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकते। उसी सिलसिले में बेटा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूअस अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो, both are discontinuous at x equal to a, then the product function, इन दोनों का जो product होगा, then the product function, जिसको कि बेटा आप लिख सकते हैं phi x is equal to fx multiplied by gx, then the product function is not necessarily discontinuous. जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो, इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना ऐसा बेटा, जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो डिसकंटिन्यूअस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एट x इक्वल टू a इज नॉट नेसेसरी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका बेटा देखो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे पास इसका जो एग्जांपल लिखा है देखिए, हमारे पास बेटा लिखा है बोथ एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूअस, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट इसमें। एग्जांपल देखिए, ये तो मैंने प्रोडक्ट के लिए लिखा है, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, इफ एफ एंड जी बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, तो आप गारंटी से बेटा सम के बारे में भी नहीं बोल सकते, आप गारंटी से सम और डिफरेंस के बारे में भी नहीं बोल सकते, क्वेश्चन के बारे में भी नहीं बोल सकते। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। नथिंग देन द प्रोडक्ट फंक्शन जो हम लिख रहे हैं ना, ऐसा लिखो, इसको ऐसा कर लो, देन द फंक्शन फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फाइव एक्स इज इक्वल टू सम या डिफरेंस, ठीक है ना, किसी को भी आप डायरेक्टली डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है ब्रैकेटेड एक्स, fx आपको मान लीजिए बेटा दिया हुआ है ब्रैकेटेड x, और gx मान लीजिए बेटा आपको दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ब्रैकेटेड x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमको ये दिया हुआ है। जरा सोच के देखो, अगर मैं आपको एक फंक्शन डिफाइन करता हूं phi x इज इक्वल टू ब्रैकेटेड x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर मान लीजिए बेटा मैं आपको एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करता हूं ब्रैकेटेड x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस वाले फॉर्मेट, तो आप इसमें क्या चीज देख सकते हैं कि यार ब्रैकेटेड x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x होता है, ये दोनों का सम मतलब तो क्या होता है x होता है, ये इंटीग्रल पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका आंसर तो x होता है, तो x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है हर जगह, x तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बट बेटा अगर मैं इसमें बात करूं किसी भी इंटीजर पे, आप किसी भी इंटीजर में बेटा देखो, एट x belonging to any integer, कोई भी आप इंटीजर पर अगर देखेंगे ब्रैकेटेड x क्या होता है, ब्रैकेटेड x तो discontinuous function होता है। आप अगर ब्रैकेटेड x का बेटा ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है, इस तरीके का बेटा ये देखिए, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1 तक बेटा, 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, और 0 से लेकर 1 तक, 1 पे हॉलो मैंने यहां पर कर दिया, 1 तक इसकी वैल्यू 0 है, 1 पर बेटा इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 से लेकर 2 तक इस तरीके से चलेगा, 2 पर हॉलो आएगा, फिर से 2 पर इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी, 2 पर इसकी वैल्यू 2 आएगी,
और 2 से लेकर 3 तक अगेन हॉलो चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, देखिए फंक्शन आपका डिफाइंड हर जगह, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या है बेटा, इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। आप यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए -1 पर वैल्यू -1 होगी और -1 से लेकर 0 तक के बीच में इसका आंसर -1 ही आएगा, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू 0। इसी को बेटा स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, कि ये एक तरीके से आप सीढ़ियां चढ़ रहे, स्टेप अप फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो ये बात तो हमको समझ में आती है कि ब्रैकेटेड एक्स क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है इंटीग्रल पॉइंट्स पे। वैसे ही अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बेटा बात करूं, तो देखिए 0 से लेकर 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नॉर्मल चलेगा, 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन 1 पर इसकी वैल्यू बेटा 1 नहीं आएगी, 1 पर इसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। फिर 1 से लेकर बेटा 2 तक, 1 से लेकर 2 तक अगेन ये y equal to x वाले फॉर्म में चलेगा, फिर यहां पर हॉलो आ जाएगा, फिर 2 पर इसकी वैल्यू अगेन 0 आएगी। और आप ये देख सकते हैं कि ये y equal to x की तरह ये पैरेलल लाइंस, बनी होंगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेटा जो होता है, वो हमेशा ही क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1 तक होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला बेटा जो फंक्शन होता है, ये हमेशा ही क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट 1 तक होता है, ऑलवेज, हमेशा ऐसी चीज होती है। तो मैं देख सकता हूं कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे, देखिए मेरा फंक्शन हर जगह डिफाइंड है लेकिन डिसकंटीन्यूअस है, ये भी इंटीग्रल पॉइंट पर तो डिसकंटीन्यूअस है, बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर डिसकंटीन्यूअस, ठीक है ना, बोथ ऑफ दीज फंक्शंस आर डिसकंटीन्यूअस, लेकिन एट एनी एक्स दैट इज इंटीजर, ये वाई इक्वल टू एक्स का लाइन आया, वाई इक्वल टू एक्स वाला लाइन तो इंटीग्रल लाइन हो, ये तो कंटीन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है दोनों का सम, तो ये चीज बेटा समझने वाली, ठीक है ना, इट इज कंटिन्यूअस और ऑन ऑल द इंटीजर्स, जबकि इंडिविजुअली अगर बेटा आप फंक्शन देखेंगे तो इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं। इसी तरीके से हम इनके बेटा प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, मैं आपको इनका प्रोडक्ट भी लेकर बताता हूं, आप अगर इनका प्रोडक्ट भी देखेंगे ना तब भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एफ एक्स फंक्शन वही है ब्रैकेटेड एक्स, और जी एक्स फंक्शन वही है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये सेम। अब अगर मान लीजिए बेटा मैं आपको बोलता हूं कि फाई एक्स एक फंक्शन है विच इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, फाई एक्स एक फंक्शन है विच इज एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब दिस विल बी ब्रैकेटेड एक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ब्रैकेटेड एक्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब देखिए आप जानते हैं व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये वाला भी फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिखा है ब्रैकेटेड एक्स इनटू फ्रैक्शनल एक्स, तो किसी भी इंटीजर प्लस पे एट, आप इसको ऐसे समझ के देखिए, मान लीजिए आप चलिए 1 पर बात करते हैं, तो 1 प्लस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस पर, तो 1 प्लस पर आप बोलेंगे 1 प्लस पर ब्रैकेटेड 1 आएगा, और 1 प्लस एच में फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, एच आएगा, 1 प्लस एच अगर आप रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, एच आएगा इसका। तो यार 1 इंटू एच अगर आप देखेंगे, अगर मैं मान लीजिए आपको बोलता हूं लिमिट एच अप्रोचेस 0, तो यार ये तो 0 की तरफ जा रहा है, जैसे आप बेटा लिमिट लगाएंगे एच अप्रोचेस 0, तो यार ये किसकी तरफ जा रहा है, तो 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1 प्लस एच का, 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो 1 का ब्रैकेटेड 1, और किसी भी इंटीजर का, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई। अच्छा 1 माइनस पर क्या हो रहा होगा, 1 माइनस पर, 1 माइनस पर देखो 1 माइनस का ब्रैकेटेड 0, और 1 माइनस अगर मैं रखता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर रखा है 1 माइनस एच फ्रैक्शनल, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का फ्रैक्शनल क्या होगा बेटा, 1 माइनस एच ही होगा, 1 माइनस एच ही होगा। अगेन देखो व्हेन एच अप्रोचेस 0, तो यार ये तो 0 इंटू 1 है, 0 ही यार। तो आप क्या देख सकते हैं बेटा, आप ये देख सकते हैं कि यार दिस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये तो एक कंटीन्यूअस फंक्शन आ गया। तो जरूरी नहीं है कि दो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी डिसकंटीन्यूअस हो, वो दो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का बेटा प्रोडक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, ये वही एग्जांपल, ठीक है ना, दो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट बेटा आपके पास कंटीन्यूअस हो सकता है। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 पर ये चीज कंटीन्यूअस आ रही है, जबकि ये भी डिसकंटीन्यूअस था, ये भी डिसकंटीन्यूअस था, ठीक है। चलिए हम बेटा नेक्स्ट अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, मैं बोर्ड जल्दी से क्लियर कर देता हूं।
थोड़ा सा हम कंपोजिट फंक्शंस का कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम बेटा दोबारा एक बार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शंस के बारे में दोबारा समझा देता हूं। बेसिक कंपोजिट फंक्शंस हमने फंक्शंस में भी पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में, लेकिन एक क्विक रिकैप, उसमें किस तरीके के सवाल बन सकते हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक नोट पॉइंट आप डाल के लिखिए, इसको नोट में इसको आप लिखिएगा। देखिए आपके पास अगर दिया गया है बेटा कि y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ एक्स फंक्शन है बेसिकली, दिस इज गॉफ एक्स फंक्शन, y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स और इसकी मैं बात कर रहा हूं एट x इक्वल टू a, y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स और इसकी बेटा मैं बात कर रहा हूं एट x इक्वल टू a। अब समझने की आप कोशिश करिएगा कि ये फंक्शन, मान लीजिए सवाल है when will this function be continuous, आखिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि f ऑफ a, या ऐसे लिखो इसको आप, f ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस, f ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सबसे पहली बात, अगर आप x इक्वल टू a पर गॉफ x को, अगर बेटा आप x इक्वल टू a पर गॉफ x को कंटिन्यूअस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये अंदर जो fx है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एट x इक्वल टू a, एंड इसके साथ साथ बेटा g ऑफ x जो फंक्शन होगा, ये जो बाहर g फंक्शन लगा, g ऑफ x जो फंक्शन होगा बेटा, दिस शुड बी कंटिन्यूअस एट ये जो x होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के बराबर। मतलब कि x की वैल्यू जब आप a रखेंगे तो सबसे पहले तो fx फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है, ये जो फंक्शन है सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। fx फंक्शन अगर कंटिन्यूअस आ गया तो फिर g फंक्शन जो होगा, ये g फंक्शन जो होगा वो f a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि इस g फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा, g फंक्शन का आर्ग्यूमेंट fx है। मतलब कि जब आप x इक्वल टू a रखेंगे तो ये जो g फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए f a पे, दिस शुड बी कंटिन्यूअस एट f a। इसको मैं आपको और समझाता हूं बेटा सवाल के रूप में, ठीक है ना। ये सिर्फ इकलौती, दिस इज द ओनली कंडीशन इन विच gof x विल बी कंटिन्यूअस, दिस इज द ओनली कंडीशन इन विच gof x विल बी कंटिन्यूअस। gof x जो फंक्शन होता है बेटा, ये कंटिन्यूअस सिर्फ इसी कंडीशन पे होता है कि अंदर वाला फंक्शन सबसे पहले a पे कंटिन्यूअस हो और उसके बाद f a पे आपका बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। बाकी रेस्ट नथिंग कैन बी सेड फॉर श्योर। मतलब कि इनके अलावा भी बेटा ऐसे केसेस हो सकते हैं, जहां पर कंटिन्यूटी आ जाए या डिसकंटिन्यूटी आ जाए, लेकिन आप गारंटी से नहीं बोल सकते। आप गारंटी से इस केस में बोल सकते हैं कि यार अगर x की वैल्यू आप a रखोगे तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए और फिर एफ ए पे जी एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो गई तो गॉफ एक्स 100% x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा, ये बात श्योर। लेकिन आप इसके अलावा और कोई भी केस होगा, रेस्ट नथिंग कैन बी सेड फॉर श्योर, आप इसके अलावा कोई भी चीज गारंटी से नहीं बोल सकते बेटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बेटा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एक्स माइनस वन, ठीक है, और जी एक्स बेटा एक फंक्शन है, जी एक्स हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम एक्स। एफ एक्स फंक्शन है बेटा एक्स माइनस वन और जी एक्स फंक्शन है सिग्नम एक्स, और मैं आपको बोल रहा हूं एट एक्स इक्वल टू वन चेक whether gof x is continuous, at x equal to 1 check whether gof x is continuous। आपको बेटा gof x की continuity check करनी। अब इस बात को बेटा समझने की कोशिश करिए, at x equal to 1 क्या ये fx continuous है, क्या fx तो continuous है x equal to 1 पर, कोई दिक्कत नहीं, और
क्या जी एक्स कंटिन्यूस है क्या? x इक्वल टू वन पर, x इक्वल टू वन पर देखो जी एक्स भी कंटिन्यूस है, क्योंकि सिग्नम वन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नम फंक्शन की प्रॉब्लम कहां पे आती है? सिग्नम फंक्शन की प्रॉब्लम आती है जीरो पे, जब अंदर वाला आर्ग्यूमेंट जीरो के बराबर हो रहा होता है तब सिग्नम फंक्शन को प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा नहीं आती। क्योंकि सिग्नम फंक्शन का बेटा ग्राफ एकदम सिंपल सा, जीरो प्लस पर यह जीरो वैल्यूज मतलब जीरो प्लस पर यह हमेशा वन होता है, जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो होती है, यहां पे हॉलो आएगा, और जीरो माइनस पर इसकी वैल्यू माइनस होती है। एकदम क्लियर ग्राफ, इसमें कोई भी एरर नहीं है बेटा, एकदम सिंपल सा इसका ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। तो सिग्नम फंक्शन को प्रॉब्लम आती है जीरो वाले पे, जब अंदर वाला आर्ग्यूमेंट जीरो हो। यहां पर तो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट में वन की बात कर, लेकिन लेकिन बेटा बट मुझे ये नहीं चेक करना है, बट बेटा मुझे ये नहीं चेक करना है। मैं आपको देखो क्या बोल रहा हूं, आपको जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे बेटा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो अगर मुझे गॉफ एक्स की बात हो रही है, जी ऑफ एफ एक्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ वन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, एट एक्स इक्वल टू वन योर एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स इक्वल टू वन पर अगर देखेंगे एक्स माइनस वन एक स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूस है। लेकिन गॉफ के लिए बेटा मुझे क्या करना है, मुझे गॉफ के लिए जी एक्स को वन पर चेक नहीं करना है, समझिए इस बात को, मुझे गॉफ फंक्शन के लिए बेटा जी एक्स को वन पर चेक नहीं करना है, इस पॉइंट पर चेक नहीं करना है। मुझे देखो कहां पर चेक करना था, मुझे जी वाले फंक्शन को एफ ऑफ ए पे चेक करना था, मुझे जी वाले बेटा फंक्शन को एफ ऑफ ए पे चेक करना है, मुझे एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है अंदर वाले फंक्शन को एफ एक्स को, लेकिन बाहर वाले फंक्शन को बेटा मुझे एफ ऑफ ए पे चेक करना है, ना कि x इक्वल टू ए पे, एफ ऑफ ए पे चेक करना है ना कि x इक्वल टू ए पे। तो देखिए x इक्वल टू वन पर भले ये कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, लेकिन अगर मुझे गॉफ चेक करना है तो गॉफ चेक करने के लिए बेटा x इक्वल टू वन पे एफ एक्स तो कंटिन्यूस हो गया, अब मुझे चेक करना है इज जी एक्स कंटिन्यूस, इज जी एक्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू एफ वन, ये अंदर वाली चीज, मुझे अंदर वाली चीज को चेक करना। तो x इक्वल टू वन अगर बेटा मैं डालूंगा तो f1 कंटिन्यूस है या नहीं, ये जो अंदर वाली मैं चीज इसमें डालूंगा इसमें f1 कंटिन्यूस है या नहीं, मुझे इस पे बात करनी, मुझे इस पे बात करनी। तो मैं यहां से आपको क्या बोलूंगा कि यार x इक्वल टू f1 पर आप देखो, f1 क्या है, व्हाट इज f1, f1 इज बेसिकली 1 माइनस 1 दिस इज 0, f1 इज 0, तो क्या जी एक्स फंक्शन 0 में कंटिन्यूस है क्या? देखो आप ध्यान से, जी ऑफ एफ1 क्या हो गया, एफ1 इज 0, तो जी ऑफ 0, तो यार जी ऑफ जीरो क्या है, जीरो पर तो यार ये डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा, जी ऑफ जीरो पर तो ये डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, जी एक्स जो बेटा फंक्शन था, जी एक्स वाला फंक्शन वन पर कंटिन्यूस है, लेकिन अगर आप जी एक्स वाले फंक्शन को जीरो पर चेक करोगे तो सिग्नम वाला फंक्शन तो जीरो पर डिस्कंटिन्यूस होता है, अभी मैंने देखा। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स गॉफ एक्स इज डिस्कंटिन्यूस, गॉफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, भले एक्स इक्वल टू वन पर बेटा, भले एक्स इक्वल टू वन पर एफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू वन पर जी एक्स भी कंटिन्यूस है, लेकिन गॉफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि गॉफ एक्स को चेक करने के लिए बेटा, गॉफ एक्स को चेक करने के लिए मुझे एक्स इक्वल टू वन पे जी एक्स और एफ एक्स को चेक नहीं करना है, मुझे एफ एक्स को तो वन पर चेक करना है, पर मुझे जी एक्स को एफ ऑफ वन पर चेक करना है, मुझे जी एक्स को बेटा एफ ऑफ ए पे चेक करना है। तो वैसे ही मुझे यहां पर जी एक्स को एफ ऑफ वन पे चेक करना है, एफ ऑफ वन क्या है, एफ ऑफ वन इज जीरो, तो अगर मैं जी एक्स को जीरो पर चेक करूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बेसिकली देखिए आपका गॉफ एक्स है क्या, ये जो आपने जी ऑफ एफ एक्स लिखना है वो जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स मतलब सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन, ये आपका फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स इज सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन। तो ऑब्वियसली बेटा आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूस कब होगा बेटा, दिस फंक्शन विल बी डिस्कंटिन्यूस एट x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, अंदर वाला सिग्नम के अंदर वाला आर्ग्यूमेंट बेटा जैसे जीरो होगा वहां पर आपका सिग्नम फंक्शन डिस्कंटिन्यूस होता है। इस कंसेप्ट को समझ के चलिए, सिग्नम फंक्शन डिस्कंटिन्यूस होता है जब उसके अंदर वाला आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जाता है, सिग्नम फंक्शन डिस्कंटिन्यूस होता है जब उसके अंदर वाला आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जाता है, मतलब अगर x माइनस वन जीरो की तरफ जाएगा x वन की तरफ जाएगा तो वन पर बेटा डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी, किसकी, गॉफ एक्स की, भले इंडिविजुअली वन पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस है लेकिन गॉफ की डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये बात हमको बेटा समझना बहुत जरूरी है,
ठीक है ना, cos x sinx ऑफ x माइनस 1 इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इवन दो बोथ ऑफ द फंक्शंस आर इंडिविजुअली कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलिए अब इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल की तरफ बेटा अपन आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से बेटा बोर्ड क्लियर कर लेता हूं। ठीक है बेटा, देखिए अगला हमारे पास नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मुझे बेटा मान लीजिए दिया हुआ है y is equal to g of fx, cos x की बात हो रही है, y is equal to g of fx, तो इसमें लिखा है सबसे पहले तो कि अगर मुझे चेक करना है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ cos x, cos x कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। मान लीजिए मेरे पास ये सवाल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसमें बेटा मैं आपको क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो आपको चेक करना है चेक ऑल दोस पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स चेक करूंगा जहां पर fx डिसकंटिन्यूअस है। चेक ऑल दोस पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अगर fx ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ओवरऑल फंक्शन मेरा बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, अभी मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, उससे आपको और अच्छे से बेटा ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको cos x की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी के लिए आप सबसे पहले तो वो सारे पॉइंट्स चेक करेंगे जहां पर ये fx डिसकंटिन्यूअस है। चेक ऑल दोस पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद अगर मान लीजिए बेटा if gx is discontinuous at x equal to alpha, मान लीजिए बेटा gx वाला फंक्शन x equal to alpha पे discontinuous है, ये जो बाहर वाला फंक्शन है gx वाला फंक्शन x equal to alpha पर मान लीजिए discontinuous है, then solve for fx equal to alpha and check all the solutions पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा, मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या। If gx is discontinuous at x equal to alpha, then solve for fx equal to alpha and check all the solutions। बोलने का क्या मतलब है कि देखिए डिसकंटिन्यूटी अगर मुझे cos x की, अभी सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अगर बेटा मुझे cos x की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, cos x की डिसकंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले तो fx कहां पर डिसकंटिन्यूअस है आप उसको चेक कर लो। cos x की डिसकंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लो कि fx कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। अब मान लीजिए आपको ये चीज पता है कि g ऑफ अल्फा डिसकंटिन्यूअस है, मान लीजिए इसके अलावा है ना, ये तो आप कर ही नहीं, इसके अलावा मान लीजिए आपको पता है कि यार g ऑफ अल्फा ना डिसकंटिन्यूअस है, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार अगर आपको पता है कि g के अंदर अल्फा आने से ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो आप fx इक्वल टू अल्फा को भी सॉल्व करो, देन सॉल्व फॉर fx इक्वल टू अल्फा। अगर gx फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू अल्फा पे, अगर आप जानते हैं इस बात को कि g ऑफ अल्फा डिसकंटिन्यूअस है, तो आप fx इक्वल टू अल्फा को भी सॉल्व करिए, और इस fx इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करने के बाद यहां से बेटा आपके पास जो जो आंसर आएंगे, मान लीजिए x1 और x2 उन पे भी डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, ये लिखा है ना, चेक ऑल द सॉल्यूशंस, ये जो भी सॉल्यूशंस इससे आएंगे निकल के fx इक्वल टू अल्फा को सॉल्व करने से, वो वाले भी सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी के होंगे। ये ओवरऑल मैंने आपको ब्रीफ बताया है डिसकंटिन्यूटी चेक कैसे होती है। सबसे पहला तरीका होता है, फर्स्ट मेथड इज कि अंदर वाले फंक्शन को देखो वो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, और उसके बाद फिर आप देखो कि बाहर वाला फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, और जहां जहां बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा था वहां वहां पे आप उसको इक्वेट कर दो अंदर वाले फंक्शन के साथ, ये जो मैंने fx इक्वल टू अल्फा किया। ठीक है, देखिए कोई बेटा दिक्कत की बात नहीं है, अभी अपन सवाल बनाते हैं, सवाल से आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा।
क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, लेट एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कि माइनस टू से लेकर फाइव तक, माइनस टू क्लोज से लेकर फाइव क्लोज, ये इसका डोमेन है और इसका कोडोमेन है बेटा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। एंड जीएक्स एक फंक्शन है, जीएक्स एक बड़ा फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस टू टू इंफिनिटी, और यहां से लेकर बेटा इसका कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये बेटा दो फंक्शंस आपके पास है, एफ एक्स और जीएक्स, बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस। मान लीजिए मुझे दिया गया है कि दीज आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड एज हमको बेटा देखे दिया हुआ एफ एक्स फंक्शन में लिख देता हूं, एफ एक्स फंक्शन बेटा आपको दिया हुआ है सबसे पहली ब्रांच है 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सेकेंड ब्रांच है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2, थर्ड ब्रांच है हमारे पास 1 माइनस एक्स, ये वाली ब्रांच है माइनस 2 से लेकर x तक से लेस देन 0 तक, ये वाली ब्रांच है x बिटवीन 0 एंड 2, और ये वाली ब्रांच है जब हमारे पास x 2 से 5 के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास तीन ब्रांचेस, एंड इसके अलावा जीएक्स बेटा जो फंक्शन है उसकी डिफाइनिंग में आपको कर देता हूं, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1, फिर x प्लस 1, 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, चार इसकी ब्रांचेस है बेटा, चारों ब्रांचेस में लिख देता हूं, माइनस 2 से लेकर x लेस देन माइनस 1 तक, फिर यहां पर है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, फिर है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, एंड यह है x ग्रेटर देन 2। ये बेटा आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर गॉफ एक्स इज डिस्कंटिन्यूस, वेयर गॉफ एक्स या g ऑफ एफ एक्स इज डिस्कंटिन्यूस, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर गॉफ एक्स इज डिस्कंटिन्यूस। ये हमारे पास बड़ा सवाल है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3, ठीक है। अपन बेटा लेफ्ट वाला साइड बोर्ड का क्लियर कर लेते हैं, अदरवाइज ये सवाल अपन कर नहीं पाएंगे सॉल्व, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन इससे आपका बेटा देखिएगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं कंपोजिट फंक्शन वाली बात, इससे 100% बेटा आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि हो क्या। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, हमको इसमें दिया हुआ है कि एक फंक्शन है f जो माइनस टू से फाइव तक डिफाइंड है, आप देख सकते हैं माइनस टू से लेकर फाइव तक ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, मैं आप बीच में एक लाइन बना देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो। अगला फंक्शन है g जो माइनस टू से लेकर इंफिनिटी तक डिफाइंड है, आप देख सकते हैं माइनस टू से लेकर इंफिनिटी तक ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। फिर हमें बोला जा रहा है दीज आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन जिनकी जो ब्रांचेज है बेटा वो आपको दी हुई है, इसकी तीन ब्रांचेज है, इसकी चार ब्रांचेज है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर गॉफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस। अब अगर मुझे ये बोल दिया गया कि यार मुझे ये चेक करना है कि g ऑफ एफ एक्स डिसकंटीन्यूअस कहां है, g ऑफ एफ एक्स डिसकंटीन्यूअस कहां है बेटा, अगर मान लीजिए मुझसे ये पूछा जा रहा है तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको बेटा ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि एफ एक्स कहां कहां पे डिसकंटीन्यूअस। सबसे पहले स्टेप वन क्या था, चेक ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस, चेक ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो एफ एक्स कहां कहां पर डिसकंटीन्यूअस हो रहा है बेटा, देखिए ब्रांचेस कहां कहां पर बदल रही, ब्रांचेस चेंज हो रही है 0 पर और 2 पर, दो जगह पर ब्रांचेस चेंज हो रही, बाकी जगह पे तो सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, तो जहां जहां पे ब्रांचेस बदल रही है उन ब्रांचेस को हम देख लेते हैं। तो हमें इसमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 2 पर। सबसे पहले तो ये कि x इक्वल टू 0 पर मुझे चेक करना जरूरी है और x इक्वल टू 2 पर मुझे चेक करना जरूरी है, क्योंकि fx फंक्शन जो है fx फंक्शन इन दो पॉइंट्स पे डिस्कंटीन्यूअस हो सकता है,
होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां पर ब्रांचेस बदल रही है। ये एक ब्रांच थी जीरो तक, जीरो से टू तक ये दूसरी ब्रांच है, टू से लेकर फाइव तक ये तीसरी ब्रांच है। तो क्योंकि देखिए ब्रांचेस चेंज हुई इसलिए मैं जीरो और टू पर बोल रहा हूं, चेक करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि क्या जी ऑफ अल्फा कभी भी डिस्कंटिन्यूअस है क्या, अदर देन दिस। एंड मुझे क्या चेक करना है कि इज जी ऑफ अल्फा डिस्कंटिन्यूअस, क्या जी ऑफ अल्फा कभी भी डिस्कंटिन्यूअस है या नहीं, मुझे ये चेक करना है। तो इसकी ब्रांचेस कहां कहां पर बदल गई है? माइनस वन पर, फिर वन पर, फिर टू पर। आप इस पर एक थोड़ा सा बेटा ठीक करके लिख सकते हैं, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन मतलब एक्स इज लेस देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ये इसका मतलब। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन मतलब एक्स माइनस वन क्लोज से वन क्लोज के बीच में, ये इसका मतलब। तो मुझे बेटा देखिए इसमें क्या चीज समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो यार मैं देख लेता हूं कि मेरा जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। माइनस वन पर देखो ब्रांचेस चेंज हो रही, तो माइनस वन पर ये किसकी तरफ जा रहा है? माइनस वन पर ये वाली ब्रांच जीरो की तरफ जा रही है, देखो माइनस वन पर ये वाली ब्रांच जीरो की तरफ जा रही है, और माइनस वन पर ये वाली भी ब्रांच जीरो की तरफ जा रही है, और माइनस वन पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? जीरो ही है, मतलब माइनस वन पर तो कंटिन्यूस है। देख लो माइनस वन बेटा अगर आप रखोगे तो ये वाली ब्रांच जीरो की तरफ जा रही है, माइनस वन पर ये वाली भी ब्रांच जीरो की तरफ जा रही है, और माइनस वन पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो ही है, मतलब ये वाला माइनस वन पर तो कंटिन्यूस है। उसके बाद वन पर देखो अगली ब्रांच चेंज हो रही है, वन पर ये फंक्शन टू की तरफ जा रहा है, और वन पर ये वाला भी फंक्शन टू की तरफ जा रहा है। देखो वन पर बेटा वन रखोगे तो वन रखने पर ये फंक्शन टू की तरफ जा रहा है, और वन रखने पर ये फंक्शन भी टू की तरफ जा रहा है, और वन पर इसकी वैल्यू क्या है? वन पर बेटा इसकी वैल्यू भी टू है, मतलब वन पर भी ये कंटिन्यूस है। माइनस वन पर तो कंटिन्यूस था, भले ब्रांच बदल रही थी लेकिन माइनस वन पर ये कंटिन्यूस था, वैसे बेटा ये वन पर भी क्या है? कंटिन्यूस है, वन पर भी कंटिन्यूस है। अब लास्ट टू पर चेक करो, जब टू के करीब आप जाओगे तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री माइनस फोर, ये माइनस वन के पास जा रहा है, ये वाली ब्रांच माइनस वन के पास जा रही है, और टू प्लस पर देखो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाली ब्रांच आपको ऐसे दी हुई। तो जब आप देखिए टू रखेंगे तो टू पर ये माइनस वन की तरफ जा रहा था, और टू पर ये वाली ब्रांच माइनस वन की तरफ जा रही, टू पर बेटा ये वाली ब्रांच माइनस वन की तरफ जा रही थी, टू पर ये वाली ब्रांच माइनस वन पर जा रही है। मतलब इसका क्या है? मतलब ये है बेटा कि यार जी एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, जी एक्स तो हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो अगर बेटा जी एक्स हमेशा ही कंटिन्यूस है, मतलब कोई भी ऐसा अल्फा नहीं आएगा जिसमें कि जी एक्स आपका डिसकंटिन्यूस हो, और अगर कोई भी ऐसा अल्फा आएगा ही नहीं, मतलब आपको एफ एक्स इक्वल टू अल्फा पे अलग से फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एफ एक्स इक्वल टू अल्फा को बेटा मैं अलग से सॉल्व कब करता? जब किसी अल्फा पर जी एक्स फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी बेटा क्या है? पॉलिनोमियल की ब्रांचेस है। तो ये सारी ब्रांचेस देख लो जहां जहां पे बाउंड्री पॉइंट था, माइनस वन पर, वन पर, टू पर, हर जगह ये क्या है? कंटिन्यूस है। ब्रांचेस से सेम रिजल्ट मिल रहा है, कंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस है मतलब जी एक्स फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूस। तो मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक सिर्फ और सिर्फ जीरो पर और टू पर करना है, सिर्फ जीरो और टू पर मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले तो देखो जीरो प्लस पर हम बात करते हैं, गॉफ को हम जीरो प्लस पे, जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस। अगर मैं जीरो प्लस पर बेटा बात करूं तो जी ऑफ एफ ऑफ जीरो प्लस, एफ ऑफ जीरो प्लस क्या है? फंक्शन जीरो प्लस पर, जीरो प्लस पर, जीरो प्लस पर अगर देखोगे तो जीरो प्लस पर आप अगर देखेंगे बेटा तो ये टू से थोड़ा सा बड़ा होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट जीरो पर ये फंक्शन टू आएगा, लेकिन जीरो प्लस पर, जीरो से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में ये टू से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब दिस विल बी जी ऑफ टू से थोड़ा सा बड़ा। ये एफ ऑफ जीरो प्लस क्या होगा? देखो एफ ऑफ जीरो प्लस जब आप करोगे तो टू से थोड़ा बड़ा आएगा, मतलब आपके पास आया जी ऑफ टू प्लस। क्या है जी ऑफ टू प्लस? टू प्लस पे, टू प्लस पे ये वाली ब्रांच माइनस वन की तरफ जा रही है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस वन आएगा। मतलब गॉफ की वैल्यू जीरो प्लस पे, गॉफ की वैल्यू जीरो प्लस पे किसके पास जा रही है? माइनस वन पे, ठीक है। गॉफ की वैल्यू जीरो पर क्या है? एग्जैक्ट जीरो पर, जी ऑफ एफ जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो पर, एग्जैक्ट जीरो पर देखो इसकी वैल्यू क्या है? टू। तो ये दिस विल बी जी ऑफ टू, और g of 2 क्या आएगा? g of 2 will be 3 minus 2, sorry 3 minus 2 का square, 2 पर 3 minus 2 का square, मतलब ये minus 1 आ रहा है।
ये भी आ रहा है माइनस। अच्छा जीरो माइनस पर क्या हो रहा होगा, गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस, जी ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस, तो जीरो माइनस पर ये क्या हो रहा होगा, जीरो माइनस पर बेटा देखो एफ ऑफ जीरो माइनस, एफ ऑफ जीरो माइनस मतलब ये वाली चीज, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ी छोटी क्वांटिटी, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी हुई, और जीरो माइनस पर इसका स्क्वायर है लेकिन आगे माइनस साइन है, तो ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी हुई, तो ये पूरी चीज एक नेगेटिव क्वांटिटी हुई, मतलब कि बेटा थ्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थ्री में से बेटा कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये जो भी होगा जीरो माइनस पर ये जो भी आएगा बेटा वो थ्री से छोटा आएगा, तो दिस विल बी जी ऑफ थ्री माइनस, दिस विल बी जी ऑफ थ्री माइनस, ठीक है ना, अंदर वाली चीज जो भी होगी वो थ्री माइनस, थ्री से थोड़ी छोटी होगी, तो जी ऑफ थ्री माइनस क्या होगा, थ्री माइनस पर देखो टू से बड़े में, टू से बड़े में ये हमेशा माइनस वन है, तो थ्री माइनस पर ये क्या होगा, माइनस वन ही होगा, तो आप देख सकते हैं बेटा जीरो पर, जीरो पर जो वैल्यू आ रही है वही जीरो प्लस पर भी आ रही है, वही जीरो माइनस पर भी आ रही है, मतलब कि योर जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर तो ये कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि जीरो प्लस पर जो वैल्यू है वही जीरो पर है, वही जीरो माइनस पर, जीरो पर कंटिन्यूस है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना था, हमें उन पॉइंट को चेक करना था जहां पर एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, देखो जीरो पर बेटा, जीरो पर आपका जो एफ एक्स वाला फंक्शन है इसकी, क्योंकि ये ब्रांच बदल रही है, जीरो पर बेटा देखो आपके एफ एक्स वाली फंक्शन की ब्रांच बदल रही है, इसलिए ऐसा हो सकता था कि ये डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि आप जब जीरो रखोगे, जब आप बेटा जीरो रखोगे तो ये जीरो थ्री, और यहां जीरो रखोगे तो ये टू, देख लो जीरो पर एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट जीरो, आप जीरो पर रख के देख लो, जीरो पर इसकी वैल्यू टू आ रही है, जीरो प्लस पर इसकी वैल्यू टू आ रही है, लेकिन जीरो माइनस पर इसकी वैल्यू थ्री आ रही है, तो आपका फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, लेकिन गॉफ एक्स कंटिन्यूस है बेटा, गॉफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स डिसकंटिन्यूस था लेकिन गॉफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है, और इसके बाद और दूसरा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या था, एक्स इक्वल टू टू था, तो अब मैं एक्स इक्वल टू टू पर बेटा चेक करता हूं, x equal to 2 पर मतलब कि सबसे पहले g of f of 2 plus, g of f of 2 plus, तो फंक्शन की वैल्यू 2 plus पर क्या है, 2 plus पर देखो 2 plus पर बेटा फंक्शन की वैल्यू मतलब 2 से थोड़ी बड़ी, तो 1 minus 2 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, मतलब ये कैसा होगा 2 plus h होगा, 2 plus मतलब क्या है, this is g of f of 2 plus h, तो f of 2 plus h क्या आएगा, 2 plus h बेटा जब आप करेंगे तो this will be g of f of 2 plus h क्या आएगा बताओ, जैसे आप 2 plus h रखोगे तो this will be 1 minus x की जगह 2 plus h आ जाएगा, 1 minus x की जगह 2 plus h आ जाएगा, इसको आप ओपन करोगे तो 1 minus 2 minus 1 minus h, this will be minus 1 minus h, सॉल्व करेंगे ये आएगा minus 1 minus h, मतलब minus 1 से थोड़ा छोटा, minus 1 से थोड़ा छोटा, तो माइनस वन से थोड़ी छोटी क्वांटिटी में जी की वैल्यू क्या है, देखो माइनस वन से छोटा, ये एच मैंने जानबूझ के लगाया ताकि एरर ना हो, ठीक है ना, टू प्लस में एरर हो सकता था, अगर मैं डायरेक्टली एफ ऑफ टू प्लस बोलता तो एरर हो सकता था, इसलिए मैंने टू प्लस एच लिखा, तो इससे आया जी ऑफ माइनस वन माइनस एच, मतलब माइनस वन से थोड़ा छोटा, तो माइनस वन से थोड़े छोटे में ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन, माइनस वन से थोड़े छोटे में ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन, तो माइनस वन से थोड़े छोटे में अगर ये एक्स क्यूब माइनस वन आ रहा है, तो ये माइनस वन अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन प्लस वन, यार ये तो जीरो की तरफ जा रहा है, माइनस वन माइनस एच में, माइनस वन माइनस एच में बेटा, माइनस वन माइनस में थोड़ा सा ही अगर आप माइनस वन यहां रखोगे तो ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। इसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू पर क्या वैल्यू, एग्जैक्टली एफ ऑफ टू पर, तो एफ ऑफ टू पर इसकी वैल्यू है टू का क्यूब एट और टू टेन, मतलब दिस इज जी ऑफ टेन, और जी ऑफ टेन क्या होगा बेटा, जी ऑफ टेन, टेन आ जाएगा टेन पे, इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, जी ऑफ टेन विल बी माइनस वन, आप देख सकते हैं, देखिए टू प्लस पर इसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है लेकिन टू पर इसकी वैल्यू माइनस वन है, टू माइनस पर भी करके देखिए जी ऑफ एफ ऑफ टू माइनस, तो एफ ऑफ टू माइनस, एफ ऑफ टू माइनस मतलब कहां पे आएगा, यहां पर आएगा, टू माइनस मतलब टू से थोड़ा सा छोटा, टू माइनस मतलब क्या होता है बेटा, टू माइनस मतलब टू से थोड़ा सा छोटा, तो टू से थोड़े से छोटे का क्यूब कितना होगा, एट से थोड़ा छोटा, और प्लस टू मतलब टेन से थोड़ा सा छोटा, तो दिस विल बी जी ऑफ टेन माइनस, और जी ऑफ टेन माइनस क्या आएगा बेटा, टेन माइनस पर इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, तो आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं कि यहां पर
लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। 2 प्लस पर आंसर 0 जा रहा है, 2 माइनस पर आंसर -1 जा रहा है, 2 पर आंसर -1 जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मतलब ये फंक्शन क्या है, दिस इज डिसकंटीन्यूअस। cos x g of fx is discontinuous, this function is discontinuous at x equal to 2, x equal to 2 पे discontinuous है बेटा, x equal to 0 पर ये continuous था, लेकिन x equal to 2 पर this function is discontinuous, ठीक है। तो अगर बेटा मुझे ये बोला जा रहा है कि find the number of points where cos x is discontinuous, तो ऐसा केवल एक point, केवल एक पॉइंट है बेटा, और वो एक पॉइंट कौन सा है, x equal to 2, सिर्फ x equal to 2 पर आपका cos x बेटा discontinuous होगा। आप देख सकते हैं x equal to 0 पर ये continuous आ गया, x equal to 2 पर ये discontinuous आ गया, और gx function तो हमेशा ही continuous है। तो अगर gx function हमेशा ही continuous है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो हमको सिर्फ discontinuity चेक करनी थी अंदर वाले फंक्शन की, अंदर वाले फंक्शन की discontinuity दो ही पॉइंट पे थी, क्योंकि दो ही जगह उसकी ब्रांचेस चेंज हो रही थी, ठीक है। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आप देख सकते हैं x equal to 0 पर continuous है, x equal to 2 पर discontinuous है, और इसका आंसर है B option, that is 1। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, ठीक है बेटा। हमारे पास अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, if if bracketed x denotes the integral part of x, denotes the integral part of x, integral part of x, then the number of points where, then the number of points, then the number of points where, then the number of points where bracketed sin x, number of points where bracketed sin x is discontinuous in closed bracket 0 से लेकर 2 pi तक, number of points where bracketed sin x is discontinuous in closed bracket 0 से लेकर 2 pi तक। ऑप्शन बेटा मैं आपको दे देता हूं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। कितने पॉइंट्स पर ये डिस्कंटिन्यूअस होगा, ये हमारे पास बड़ा सवाल है। इफ ब्रैकेटेड x डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ब्रैकेटेड sin x इज डिस्कंटिन्यूअस इन 0 से 2। मैंने बेटा आपको पहले ही ये चीज बताई कि एक ब्रैकेटेड फंक्शन जो होता है, एक ब्रैकेटेड फंक्शन जो होता है ये डिस्कंटिन्यूअस कब होता है, ये डिस्कंटिन्यूअस होता है व्हेन x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। एक जब इंटीजर बेटा वैल्यू लेती है, जब एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, तब जो आपके पास बेटा ब्रैकेटेड एक्स होता है वो डिस्कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि वो स्टेप अप फंक्शन की तरफ बिहेव करने लगता है। और जब तक इंटीजर नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो वो स्मूथ लाइन बनती है, लेकिन इंटीजर में क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो डिस्कंटिन्यूटी आ जाती है। तो अगर मेरे पास बेटा बोला जा रहा है ब्रैकेटेड ऑफ साइन एक्स, और मुझसे पूछा जा रहा है कि ये ब्रैकेटेड ऑफ साइन एक्स डिस्कंटिन्यूअस कहां कहां पर होगा, तो मैं आपको क्या बोलूंगा यार कि झट से हम ऐसा करते हैं sin x का एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। एक बार sin x का ग्राफ बना लेते हैं, ये 0 है, ये बेटा आपके पास पाई बाय 2 है, ये पाई आ गया, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3 पाई बाय 2, और ये आ गया 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई तक मुझसे बात हो रही है, 0 क्लोज से लेकर 2 पाई क्लोज तक। तो मैं आपको बेटा ये बोलता हूं कि ये sin x का फंक्शन इंटीजर कहां कहां पर आ रहा है। देखो 0 पर ये इंटीजर है, पाई बाय 2 पर ये इंटीजर है, पाई पर ये इंटीजर है, 3 पाई बाय 2 पर भी एक इंटीजर है -1, और 2 पाई पर भी एक इंटीजर है, पांच जगह। 0 से 2 पाई में पांच जगह बेटा ये इंटीजर आ रहा है। कौन कौन सी पांच जगह पे, 0 पर आ रहा है, पाई बाय 2 पर आ रहा है, पाई पर आ रहा है, 3 पाई बाय 2 पर आ रहा है, और 2 पाई पर। ये पांच जगह पर बेटा ये हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, डिस्कंटिन्यूअस है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है इन पांच जगहों पे। तो अगर इन पांच जगहों पे बेटा ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, देन व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि मुझे इन पांचों जगह पर चेक करना पड़ेगा इसकी कंटिन्यूटी।
कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है मुझे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो जीरो पर चेक करते हैं, ब्रैकेटेड ऑफ साइन जीरो। तो जीरो पर बेटा अगर मैं चेक करूंगा तो देखो जीरो पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन जीरो इज जीरो, तो ब्रैकेटेड ऑफ जीरो विल बी जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जीरो प्लस पर अगर मैं बात करूं, याद करिए बेटा राइट कंटिन्यूटी मैंने आपको बताया था बाउंड्री पॉइंट्स पे, बाउंड्री पॉइंट्स पे राइट कंटिन्यूटी या लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात होती है। जीरो वाले पॉइंट के देखो इस साइड अगर मैं ग्राफ बोल ही नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे जीरो से टू पाई में बात करनी है, मतलब मैं जीरो से आगे की बात कर रहा हूं, मैं जीरो पीछे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं जीरो पर चेक करूंगा और जीरो प्लस पर चेक करूंगा, जीरो माइनस पर क्या हो रहा है मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ब्रैकेटेड ऑफ साइन ऑफ जीरो प्लस, जरा सोच के देखो साइन ऑफ जीरो प्लस जो भी होगा, साइन ऑफ जीरो प्लस जो भी होगा वो जीरो और वन के बीच में ही होगा, और उसका ब्रैकेट करूंगा तो दोबारा जीरो आएगा, आंसर तो इसका भी जीरो आ रहा है। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं बेटा कि जीरो पर तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, जीरो पर तो कंटिन्यूटी आ गई बेटा मेरे पास, जीरो पर कंटिन्यूटी आ गई क्योंकि जीरो पर भी वही वैल्यू है, जीरो प्लस पर भी वही वैल्यू। अब बेटा हम बात करते हैं जीरो के बाद पाई बाय टू पर, ब्रैकेटेड ऑफ साइन पाई बाय टू। सबसे पहले अगर बेटा मैं साइन पाई बाय टू पर बात करूं, एग्जैक्टली पाई बाय टू पर ये क्या है, वन, एग्जैक्टली पाई बाय टू पर ये वन। तो अगर एग्जैक्ट बेटा अगर एग्जैक्ट पाई बाय टू पर ये वन है तो इसका आंसर क्या आएगा, वन का ब्रैकेटेड वन। अच्छा ब्रैकेटेड ऑफ साइन पाई बाय टू प्लस, मैं अगर साइन पाई बाय टू प्लस की बात करूं, पाई बाय टू से थोड़े बड़े की बात करूं, तो पाई बाय टू से जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लूंगा ये वन से छोटा हो जाएगा, और वन से छोटे का ब्रैकेटेड क्या होगा, वन से छोटे का ब्रैकेटेड जीरो, मतलब इसका आंसर तो जीरो आ रहा है। और अगर बेटा मैं बोल दूं ब्रैकेटेड ऑफ साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस, तो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस पर क्या होगा, देखो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा, अगेन पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा करूंगा तो ये वैल्यू वन से थोड़ी छोटी हो जाएगी, और वन से थोड़ी छोटी वैल्यू का ब्रैकेटेड अगेन जीरो, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि साइन इसकी फंक्शन की वैल्यू तो अलग है। इसका मतलब बेटा पाई बाय टू पर दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डीसी लिख देते, कंटिन्यूटी के लिए सी, डिसकंटिन्यूटी के लिए डीसी। फिर पाई पे बात करते हैं, ब्रैकेटेड ऑफ साइन पाई, अगर बेटा मैं ब्रैकेटेड ऑफ साइन पाई की बात करूं तो जरा सोच के देखिए पाई पर बेटा आपकी इसकी वैल्यू क्या है, साइन पाई जीरो होता है, इसका ब्रैकेटेड जीरो। लेकिन पाई प्लस पर मैं क्या बोलूंगा, पाई प्लस पर, पाई से मैंने थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लिया, पाई से थोड़े बड़े वैल्यू का ब्रैकेटेड अगर मुझे निकालना है तो देखिए पाई प्लस पर जैसे ही जाऊंगा तो इसमें साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पाई प्लस पर अगर इसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव हो जाएगी तो उसका ब्रैकेटेड माइनस वन आ जाएगा, और ब्रैकेटेड ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस, तो पाई माइनस पर बेटा अगर आप देखेंगे पाई माइनस पर, तो पाई माइनस पर देखिए जो ये जो भी वैल्यू होगी ये जीरो से थोड़ी सी बड़ी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी जीरो से थोड़ी सी बड़ी होगी, उसका ब्रैकेटेड जीरो आ जाएगा। तो अगेन डिसकंटिन्यूटी आ गई, पाई पर भी डिसकंटिन्यूटी आ गई। थ्री पाई बाय टू पर देखते हैं, ब्रैकेटेड ऑफ साइन थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू क्या आती है, थ्री पाई बाय टू पर बेटा इसकी वैल्यू आती है माइनस वन, थ्री पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू आती है माइनस वन। तो अगर थ्री पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू बेटा माइनस वन आती है तो उसका ब्रैकेटेड तो माइनस वन, लेकिन अगर मेरे पास है थ्री पाई बाय टू प्लस पर, तो थ्री पाई बाय टू से देखो अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लूंगा तो माइनस वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी, है तो नेगेटिव ही लेकिन माइनस वन से थोड़ा बड़ा है, उसका ब्रैकेटेड अगेन क्या आ जाएगा, माइनस वन ही आएगा। और ब्रैकेटेड ऑफ बेटा साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू, अगर बेटा मैं माइनस करूंगा तो अगर इधर देखो अगर अगेन बेटा मैं माइनस कर रहा हूं तो ये वैल्यू माइनस वन से तो बड़ी आ गई, है अभी भी नेगेटिव लेकिन माइनस वन से थोड़ी सी बड़ी, उसका ब्रैकेटेड अगेन माइनस वन। तो यार ये तो कंटिन्यूस आ गया माइनस वन पर, यार ये तो कंटिन्यूस आ गया, ठीक है थ्री पाई बाय टू पर ये कंटिन्यूस आ जाएगा, देखो तीनों वैल्यूज माइनस वन है। लास्ट है टू पाई, टू पाई अगेन बेटा बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है तो यहां पर मैं लेफ्ट कंटिन्यूटी की बात करूंगा क्योंकि 2 पाई बाय 2 2 पाई के उधर तो फंक्शन है ही नहीं। तो अगर हम 2 पाई पर बात करें तो ब्रैकेटेड ऑफ साइन 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई क्या होता है जीरो, साइन ऑफ 2 पाई अगर जीरो होता है, अगर बेटा साइन ऑफ 2 पाई जीरो होता है तो उसका ब्रैकेटेड जीरो, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस बेटा जैसे ही आप देखेंगे तो 2 पाई से थोड़े से छोटे का ब्रैकेटेड नेगेटिव और उसका ब्रैकेटेड आ जाएगा माइनस। तो यहां पर क्या आ गया, डिसकंटीन्यूअस आ गया, दिस इज डिसकंटीन्यूअस। इसका मतलब बेटा ऐसे कितने पॉइंट्स हैं
ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने कंटिन्यूटी डिस्कस की? मैंने कंटिन्यूटी डिस्कस की 5 पॉइंट्स पे, क्योंकि 5 पॉइंट्स पे ये इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था और इंटीग्रल वैल्यूज पर ही ब्रैकेटेड फंक्शन को चेक किया जाता है, करेक्ट। लेकिन इन 5 पॉइंट्स में से ऐसे 3 पॉइंट्स है बेटा, ऐसे 3 पॉइंट्स है, पाई बाय 2, पाई एंड 2 पाई, ये 3 पॉइंट्स है जिस पे आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, अदरवाइज ये 0 पर और 3 पाई बाय 2 पर तो कंटीन्यूअस है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटीन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस इज 3, ठीक है। ऐसे बेटा 3 पॉइंट्स देखो, 0 पर ये कंटीन्यूअस है, पाई बाय 2 पर डिसकंटीन्यूअस है, पाई पर डिसकंटीन्यूअस है, 3 पाई बाय 2 पर कंटीन्यूअस है एंड 2 पाई पर डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। चलिए इसी से बेटा मिलता जुलता मैं आपको एक सवाल देता हूं, सेम अप्रोच हम रखेंगे, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा साथ साथ में, ठीक है। और अगर आपका आंसर मुझसे पहले आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, अगर आपका आंसर बेटा मुझसे पहले आ जाता है तो वेरी गुड। फंक्शन में बस हम बेटा ये चेंज कर लेते हैं, ये पिछला वाला तो हो गया, फंक्शन में हम इस ब्रैकेटेड साइन एक्स को अब ब्रैकेटेड कॉस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको बेटा अपन कर लेते हैं ब्रैकेटेड कॉस एक्स, तो यार ये वाली चीज तो सेम ही रहेगी, ब्रैकेटेड कॉस एक्स में भी ब्रैकेटेड फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा बेटा? ब्रैकेटेड फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस जब अंदर वाला फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा हो। तो इसका ग्राफ अपन बनाते हैं और डिस्कस करते हैं जल्दी से, ठीक है। पिछला वाला अपन ने धीरे धीरे किया क्योंकि मैं आपको पहली बार ऐसा सवाल करा रहा था, लेकिन अब हम थोड़ा सा फास्ट इसमें जा सकते हैं। देखिए आपको बेटा इसमें बेसिकली अगर बोला जा रहा है ब्रैकेटेड ऑफ कॉस एक्स डिसकंटिन्यूअस कब होगा, तो ब्रैकेटेड ऑफ कॉस एक्स अगर आपको डिसकंटिन्यूअस बेटा देखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ये जीरो है, ये है बेटा पाई बाय टू, ये है पाई, ये आपके पास पॉइंट है बेटा थ्री पाई बाय टू और ये है टू पाई। अगेन आप देख सकते हैं जीरो पर इसकी वैल्यू वन है, पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू जीरो है, पाई पर इसकी वैल्यू माइनस वन है, थ्री पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू जीरो है, टू पाई पर इसकी वैल्यू वन। तो यहां से बेटा मुझे एक चीज पता चलती है कि अगर मुझे इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी बेटा डिस्कस करनी है तो मुझे वो सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जहां अंदर वाला फंक्शन इंटीजर हो रहा है। तो ये इंटीजर हो रहा है जीरो पर, ये इंटीजर हो रहा है पाई बाय टू पर, पाई पर, थ्री पाई बाय टू पर और 2 पाई पर। डिस्कशन के बेटा पॉइंट्स तो वही, सबसे पहले अगर मैं 0 पर बात करूं तो 0 पर ब्रैकेटेड ऑफ कॉस 0, देखिए आप कॉस 0 पर इसके आंसर क्या है, 1, आंसर 1 आएगा। और ब्रैकेटेड ऑफ कॉस ऑफ 0 प्लस, क्योंकि ये राइट कंटिन्यूटी है तो मैं सिर्फ 0 प्लस पर बात करूंगा, 0 माइनस पर तो बात करूंगा नहीं। 0 प्लस पर इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, कॉस ऑफ 0 प्लस 1 से थोड़ा छोटा उसका ब्रैकेटेड 0, डिसकंटीन्यूअस हो गए, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद पाई बाय 2 ब्रैकेटेड ऑफ कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 2 पर ध्यान से देखिए बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 0। उसके बाद ब्रैकेटेड ऑफ कॉस पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा, पाई बाय 2 से थोड़े से बड़े का आंसर नेगेटिव है, उसका ब्रैकेटेड क्या हो जाएगा, माइनस 1। और ब्रैकेटेड कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस पर देखो बेटा, पाई बाय 2 माइनस पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका ब्रैकेटेड क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाय 2 पर भी दिस इज डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद पाई पर ब्रैकेटेड ऑफ कॉस पाई, पाई पर जरा सोच के देखिए बेटा, पाई पर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 अगर इसकी वैल्यू है तो माइनस 1 का ब्रैकेटेड माइनस 1। ब्रैकेटेड ऑफ कॉस पाई प्लस, पाई से थोड़ा सा बड़ा लूंगा आंसर, माइनस 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा लेकिन ब्रैकेटेड लेते ही माइनस 1 आएगा। ब्रैकेटेड ऑफ कॉस पाई माइनस, पाई माइनस पर अगर लूंगा बेटा आंसर माइनस 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा लेकिन उसका ब्रैकेटेड अगेन माइनस 1 आएगा। आप देख सकते हैं देखिए तीनों माइनस 1 आ रहे हैं, इसका मतलब पाई पर कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद हमारे पास है 3 पाई बाय 2 ब्रैकेटेड ऑफ कॉस 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर बोलो क्या हो रहा होगा, 3 पाई बाय 2 अगर बेटा मैं देखूं तो 3 पाई बाय 2 पर मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू 0 है। ब्रैकेटेड ऑफ कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस, 3 पाई बाय 2 प्लस पर इसकी वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी, उसका ब्रैकेटेड 0। लेकिन ब्रैकेटेड ऑफ कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस, तो आप देख सकते हैं बेटा 3 पाई बाय 2 माइनस पर जैसे ही आप देखेंगे 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू का ब्रैकेटेड माइनस 1, अलग वैल्यूज आ रही हैं तो ये डिसकंटीन्यूअस। एंड लास्ट है बेटा 2 पाई ब्रैकेटेड ऑफ कॉस 2 पाई, तो कॉस ऑफ 2 पाई आप अगर बेटा ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर किधर आएगा, 1 की तरफ आएगा। और ब्रैकेटेड ऑफ कॉस 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस पर बेटा अगर आप देखेंगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा का ब्रैकेटेड 0,
क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस होगी, राइट साइड नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं बेटा ध्यान से, इसमें चार ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर डिसकंटिन्यूअस है। हमने कंटिन्यूटी डिस्कस की पांच पॉइंट्स पे, क्योंकि पांच पॉइंट्स पे कॉसेक्स जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा था, लेकिन इन पांच में से बेटा ये कंटिन्यूअस सिर्फ एक पॉइंट पे है, दैट इज एट पाई। उसके अलावा 0, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, हर जगह बेटा डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चार ऐसे बेटा पॉइंट्स है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर बेटा आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, अगर बेटा आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है, तो अब मैं पिछले वाले जो दोनों सवाल थे उसको ज्वाइन करता हूं। ठीक है, ओरिजिनल मेरे पास जो क्वेश्चन था वो तो वही था, लेकिन मैं अगर बेटा डायरेक्टली उस सवाल को लिख देता तो आपको शायद चीजें समझ में नहीं आती। तो अब मैं अब पिछले वाले दोनों सवालों को ज्वाइन करता हूं और फिर आपसे पूछता हूं, तब हो सकता है आपको बेटा ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आए। डायरेक्टली अगर मैं आपसे बेटा वो पूछता तो शायद आपसे वो नहीं बनता। सवाल है, ब्रैकेटेड एक्स डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ब्रैकेटेड साइन एक्स प्लस ब्रैकेटेड कॉस एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन 0 से 2 पाई। ये बेटा ओरिजिनल सवाल। ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है नन। 3, 4, 5 एंड नन। आपसे बेटा बोला जा रहा है कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिसमें ब्रैकेटेड साइन एक्स प्लस ब्रैकेटेड कॉस एक्स डिसकंटिन्यूअस हो। तो अब बेटा देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने इंडिविजुअली आपको ब्रैकेटेड साइन एक्स बताया, मैंने इंडिविजुअली आपको ब्रैकेटेड कॉस एक्स भी बताया। अब आप डायरेक्टली उसको मत सोचिए, डायरेक्टली बेटा मत सोचिए। आप कैसा सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि यार ये साइन एक्स का आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स तो वही है 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, यही पांच पॉइंट्स है जिसमें ये इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है, और इसी ग्राफ को बेटा मैं आगे अगर एक्सटेंड कर दूं इधर से इस तरीके से, तो हमारे पास देखिए क्या चीज आ जा रही है। 0 पर अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, फिर पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 0 है, फिर पाई पर इसकी वैल्यू -1 है, उसके बाद 3 पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 0 है, और 2 पाई पर इसकी वैल्यू 1 है। ये मैंने बेटा पॉइंट्स लिख दिए। ये आपका जो कर्व है ये साइन एक्स का कर्व है, ये आपका बेटा जो कर्व है ये कॉस एक्स का कर्व है। अगर मुझसे पूछा जा रहा है ब्रैकेटेड ऑफ साइन एक्स प्लस ब्रैकेटेड ऑफ कॉस एक्स, तो अगेन अब हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मेरे को इंटीग्रल बेटा पॉइंट्स तो पता ही है, जहां पर ये इंटीजर्स ले रहा है, जहां पर ये इंटीजर्स ले रहा है, मुझे उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, 0 पर, पाई बाय 2 पर, पाई पर, 3 पाई बाय 2 पर और 2 पाई पर। यही पांच पॉइंट्स हैं जिसमें ये भी इंटीग्रल वैल्यूज ले रहे हैं और ये भी इंटीग्रल वैल्यूज ले रहे हैं। अब याद करिए बेटा, ध्यान से सोच के याद करिए आप इस बात को। हमारे पास अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली थ्योरम से भी कर सकते हैं। थ्योरम क्या बोलता था, थ्योरम ये बोलता था कि अगर अगर हमारे पास एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो जो दोनों का बेटा सम होगा वो 100% कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो जो दोनों का सम होगा वो 100% डिसकंटिन्यूअस होगा। और बेटा अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो आप कुछ गारंटी से नहीं बोल सकते। ये मैंने आपको थ्योरम और नोट पॉइंट्स लिखाए थे। अगर आप चाहें तो इसको थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप लॉजिकली सोचिए, आप लॉजिकली सोचिए बेटा, 0 पर क्या होगा, 0 पर देखो क्या होगा, 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 0 प्लस पर क्या हो रहा होगा, देखो सिर्फ राइट कंटिन्यूटी डिस्कस होगी, 0 प्लस पर इसका ब्रैकेटेड 0 हो जाएगा और 0 प्लस पर इसका ब्रैकेटेड 0 हो जाएगा। तो क्या ये सेम आ रहा है, क्या सेम तो नहीं आ रहा, मतलब 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, इसके बाद 0 हमने डिस्कस कर लिया, 0 डिस्कस करने के बाद बेटा अब हम बात करते हैं पाई बाय 2 पर। पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 1 है, पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू 0 है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, एक का आंसर 1 है, एक का आंसर 0 है, दोनों का सम 1 आएगा। एक का आंसर 0 है, एक का आंसर 1 है, दोनों का सम 1 आएगा। पाई बाय 2 प्लस पर क्या हो रहा होगा, पाई बाय 2 प्लस पर,
पाई बाय टू से आप थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, पाई बाय टू से आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसका ब्रैकेट है जीरो, पाई बाय टू से आप थोड़ा सा आगे बढ़े इसका ब्रैकेट है माइनस वन, जीरो और माइनस वन मतलब माइनस वन हो गया, और पाई बाय टू माइनस पर, पाई बाय टू माइनस पर अगर बेटा मैं देखूंगा तो पाई बाय टू से थोड़े से छोटे में इसका ब्रैकेट है अगेन जीरो हो जाएगा क्योंकि वन से थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इसका ब्रैकेट पाई बाय टू माइनस पर, पाई बाय टू माइनस पर इसका ब्रैकेटेड हो जाएगा जीरो, तो दोनों का ब्रैकेटेड जीरो है मतलब ये आ जाएगा जीरो। आप देख सकते हैं तीनों ही अलग अलग वैल्यू है डिस्कंटिन्यूअस। पाई पर देखते हैं बेटा, पाई पर, पाई पर इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू माइनस वन, तो पाई पर माइनस वन हो रहा है। पाई प्लस पर क्या होगा, पाई प्लस पर, पाई प्लस पर इसका ब्रैकेटेड माइनस वन और इसका बेटा पाई प्लस पर ब्रैकेटेड माइनस वन मतलब माइनस टू, और पाई माइनस पर, पाई माइनस पर देखो बेटा, पाई माइनस पर इसका ब्रैकेटेड जीरो और पाई माइनस पर इसका ब्रैकेटेड माइनस वन, तो माइनस वन। ये भी तीनों अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं डिस्कंटिन्यूअस। थ्री पाई बाय टू पर देखो बेटा, थ्री पाई बाय टू ज्यादा देर नहीं लगती, आराम से हो जाता है। थ्री पाई बाय टू पर अगर मैं देखूंगा ये माइनस वन ये जीरो, आंसर माइनस वन। थ्री पाई बाय टू प्लस पर अगर मैं देखूंगा, थ्री पाई बाय टू प्लस पर इसका ब्रैकेटेड क्या आएगा, ये माइनस वन से थोड़ा सा बड़ा, इसका ब्रैकेटेड माइनस वन आएगा और 3 पाई बाय 2 प्लस पर इसका ब्रैकेट 0 आएगा मतलब माइनस वन। और 3 पाई बाय 2 माइनस पर क्या हो रहा होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस पर अगर मैं देखूं तो इसका ब्रैकेटेड आ जाएगा माइनस वन और इसका ब्रैकेटेड आ जाएगा माइनस वन, 3 पाई बाय 2 माइनस पर, तो माइनस वन और माइनस वन इज माइनस टू। ठीक है, तो यहां सर भी ये भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस। और 2 पाई पर बेटा, 2 पाई पर अगर आप देखेंगे तो 2 पाई पर इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो आंसर आ रहा है 1। और 2 पाई माइनस पर, क्योंकि इसमें सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूटी है, बाउंड्री पॉइंट है, 2 पाई माइनस पर अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रैकेट है माइनस वन और इसका ब्रैकेट है जीरो मतलब माइनस वन, अलग हो गए। तो यार ये क्या हो रहा है, पांचों ही पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ब्रैकेटेड साइन एक्स प्लस ब्रैकेटेड कॉस एक्स इज डिस्कंटिन्यूअस, तो ये पांचों ही पॉइंट्स पे डिस्कंटिन्यूअस है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। आई होप आपको बेटा ये पॉइंट अच्छे से, बहुत बढ़िया से ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। चलिए अगला बेटा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा हुआ है, इसमें कई बार अक्सर बच्चों को डाउट होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेटेड ऑफ 3 साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेटेड ऑफ 3 साइन एक्स इन ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई की बात करो, 2 पाई भी नहीं बोल रहा, इन ओपन इंटरवल 0 से पाई, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। और ये वाला जो फंक्शन है बेटा, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा बेटा ध्यान से सोच के देखिएगा, ध्यान से इसमें आपको सोच के देखिएगा, आपको बोला जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। क्या इसमें मुझे बेटा चीज समझ में आती है, मुझे ये समझ में आता है कि यार ब्रैकेटेड ऑफ 3 साइन एक्स लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेटेड ऑफ अगर 3 साइन एक्स मेरे पास लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि बताइए ये डिस्कंटिन्यूअस कब कब है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि यार जहां जहां पर ये इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा होगा वहां वहां पर डिस्कंटिन्यूअस होगा, ये 3 साइन एक्स जहां जहां पर भी इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा होगा वहां वहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए, डिस्कंटिन्यूटी का आंसर होना चाहिए। अच्छा इंटरवेल क्या है मेरे पास, इंटरवेल है बेटा 0 से पाई, इंटरवेल है 0 से पाई, तो 0 से पाई मतलब इसका ग्राफ तो सिर्फ ऐसा होगा, 0 से पाई में देखो 3 साइन एक्स है ना, ग्राफ तो इसी तरीके का होगा। अगर बेटा ग्राफ मेरे पास इस तरीके का होगा साइन एक्स का, तो जीरो पर भी ओपन है और पाई पर भी ओपन है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है ना, ये वाई इक्वल टू बेटा साइन एक्स का ग्राफ है, तो अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो ये जीरो से लेकर पाई में ओपन, जीरो से पाई ओपन। अब हमें पता है जीरो से पाई वाले इंटरवल में पहले 2 क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स पॉजिटिव होता है, मतलब ये अंदर वाला आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव है। जरा सोच के देखो ये इंटीजर कब कब होगा, क्या ये अंदर कभी भी, अगर ये साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव, अगर आपका ये साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है क्या ये कभी भी जीरो हो सकता है, क्या साइन एक्स कभी भी जीरो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जीरो भी ओपन है पाई भी ओपन है, तो ये जीरो तो कभी नहीं हो सकता। क्या ये कभी भी
पूरी चीज कभी भी वन हो सकती है क्या? इंटीजर में ये पूरी चीज कभी भी वन हो सकती है क्या? वन हो सकती है व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3। सोच के देखो बेटा, अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/3 हो गई, अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/3 हो गई तो 1/3 × 3 1 हो जाएगा, ब्रैकेटेड ऑफ 1, डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो अगर बेटा मैं 1/3 पर चेक करूं, ध्यान से देखिएगा, ये 1 वाला पॉइंट है, अगर हम 1/3 पर चेक करें तो 1/3 ये कितनी बार ले रहा होगा वैल्यू? दो बार ले रहा होगा। कौन कौन सी वैल्यूज पे ले रहा होगा मेरे को नहीं पता, ना ही मेरा इंटरेस्ट, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि 1/3 वैल्यू दो बार आ रही होगी, मतलब कि यहां से दो पॉइंट आएंगे डिस्कंटिन्यूटी के, टू पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, यहां से आपके पास बेटा दो पॉइंट्स आएंगे डिस्कंटिन्यूटी के। वो दो पॉइंट्स कौन से होंगे मेरे को नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता यहां पर कौन सा एंगल है, किस एंगल के लिए साइन एक्स का वैल्यू 1/3 होता है, आई डोंट नो, नीदर डू आई केयर, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा। अपने को क्या पूछा जा रहा है, अपने को पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स, सॉल्यूशन तो पूछ नहीं रहा। तो बेटा जैसे ही आपने ये देखा कि साइन एक्स का वैल्यू 1/3 होगा तो ये अंदर वाली पूरी चीज एक इंटीजर बनेगी, दैट इज 1। ठीक, क्या ये पूरी चीज कभी भी 2 बन सकती है क्या? 2 भी एक इंटीजर है, 2 पे भी डिस्कंटिन्यूटी आ सकती है, तो बिल्कुल बन सकती है व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3। देख लो आप ध्यान से, बेसिकली ये 3 का फैक्टर आगे लगाए, तुम जितनी बार ये 3 का फैक्टर काटते जाओगे उतनी बार तुमको इंटीजर मिलता जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू 2/3 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, देखो 1 से छोटी। 2/3 पर अगर बेटा मैं चेक करूं, 2/3 पर, तो 2/3 भी मैं आपको बोलता हूं यार कितनी बार मिल रहा होगा, दो बार मिल रहा होगा। कहां कहां पर मिल रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो बार मिल रहा होगा ये बात 100% श्योर है। तो अगर बेटा ये दो बार मिल रहा होगा साइन एक्स का वैल्यू 2/3 भी, तो यहां से भी आप बोल सकते हैं टू पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, टू पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, दो बार तो मिल रहा है तो डिस्कंटिन्यूस तो है, करेक्ट। इसके बाद और क्या हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, ये पूरी चीज क्या 3 बन सकती है कि? ये पूरी चीज को मैं देखा 0 नहीं बन सकता था, ये पूरी चीज कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकती क्योंकि आप ओपन इंटरवल 0 से पाई में बात कर रहे हैं, मतलब अंदर वाली पूरी चीज हमेशा पॉजिटिव है। ये पूरी चीज कभी भी 0 नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि 0 और पाई दोनों पे ओपन है। ये पूरी चीज 1 बन सकती है, हाँ बन सकती है। ये पूरी चीज 2 बन सकती है, हाँ बन सकती है। क्या ये पूरी चीज 3 बन सकती है क्या? ये पूरी चीज 3, तो मैं बोलूंगा यार ये पूरी चीज 3 बन सकती है। कब बनेगी? व्हेन sin x इज इक्वल टू 1। अगर sin x की वैल्यू 1 होगा तो ये पूरी चीज 3 बनेगी। तो ये पूरी चीज 3 बनाने के लिए sin x 1 होना चाहिए। sin x 1 कितनी बार हो सकता है बोलो? sin x 1 केवल एक बार हो सकता है पाई बाय 2 पर। sin x 1 केवल एक बार हो सकता है पाई बाय 2 पर, मतलब 1 पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, 1 पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, एक पॉइंट यहां पर भी आ गया। अच्छा 3 के बाद क्या ये 4 बन सकता है क्या? कैन दिस बी 4? तो ये 4 कभी नहीं बन सकता यार, क्यों? क्योंकि इस पूरे को 4 बनाने के लिए sin x को ना अब 4/3 होना पड़ेगा, और यार sin x तो 4/3 हो ही नहीं सकता क्योंकि sin x तो 1 से छोटा होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई है 1 या उससे छोटा होता है हमेशा ही। तो sin x 4/3 नहीं हो सकता, 5/3 नहीं हो सकता, 6/3 नहीं हो सकता, मतलब ये ब्रैकेटेड ऑफ 3 sin x, ब्रैकेटेड ऑफ 3 sin x बेटा कितने इंटीजर्स ले सकता है? केवल और केवल 3 इंटीजर्स। या तो ये 1 लेगा इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू, या ये पूरे की वैल्यू 2 लेगा, या ये पूरे की वैल्यू 3 लेगा। ना ये 0 हो सकता है, ना ये 4 हो सकता है, ना ये 5 हो सकता है, ना ये नेगेटिव हो सकता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो टोटल कितने पॉइंट्स आए बेटा डिस्कंटिन्यूटी के? 5, 2 यहां से, 2 यहां से, 4 और 1 ये 5। देख लो ये 5 पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 आपके पास आएंगे, x1, x2, पाई बाय 2 को आप लिख लो x3, ये x4 और ये x5, दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, जहां जहां पर 3 sin x क्या हो जाएगा बेटा? इंटीजर हो जाएगा, और जैसे 3 sin x इंटीजर होगा तो ब्रैकेटेड ऑफ एन इंटीजर इज अ डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर विल बी देयर आर 5 पॉइंट्स। ठीक है ना, देयर आर 5 पॉइंट्स जहां पर बेटा ये पूरी की पूरी चीज डिस्कंटिन्यूअस होगी। इसको बेटा मैं सॉल्व मिटा देता हूं और एक जनरलाइज्ड बेटा मैं आपके लिए इसको रिजल्ट डिराइव करता हूं। ठीक है बेटा, देखिए एक जनरलाइज में आपको रिमार्क लिखा देता हूं। ठीक है, ये एक जनरलाइज रिजल्ट है, आपको समझ में आएगा, पिछले वाले से ही मिलता जुलता है। अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है fx is equal to bracketed of n sin x in
closed interval 0 से pi, in closed interval 0 से pi, then the number of points of discontinuity of fx is 2n minus 1. ये रिजल्ट आप बोल लो या जो भी बोल लो, तुम्हारी इच्छा की बात है, आसान सा रिजल्ट है बेटा, कोई बहुत डिफिकल्ट रिजल्ट नहीं है, वेरी इजी रिजल्ट, दिस इज अ वेरी इजी रिजल्ट, आपको समझ में आएगा. देखिए मैं समझाता हूं आपको बेटा. बोला जा रहा है ब्रैकेटेड ऑफ n sin x इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, ब्रैकेटेड ऑफ n sin x इन क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक. अब जरा बेटा देखिए, इसमें समझने की आप कोशिश करिएगा, n एक नेचुरल नंबर है ना, n इज अ नेचुरल नंबर, आप लिख लो n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है. तो अगर बेटा इसमें मैं बात करूं तो आप समझने की कोशिश करो कि ये इंटीजर्स कब कब बन रहा होगा. अगर आप क्लोज इंटरवल 0 से पाई की बात कर रहे हैं, अगर बेटा आप क्लोज इंटरवल 0 से पाई की बात कर रहे हैं, ये 0 है और ये पाई, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में ये sin x का कर्व, ठीक है. तो मैं आपको यार ये बोलता हूं कि ये कभी भी 0 तो बन नहीं सकता, ये 0 तो कभी भी नहीं बन सकता, ये 1 बन सकता है. 1 कब बनेगा? When sin x is 1/n. फिर ये 2 कब बनेगा? When sin x is 2/n. फिर ये 3 कब बनेगा? When sin x is 3/n. फिर ये n minus 1 कब बनेगा? When sin x is n minus 1/n. और लास्ट में ये पूरी चीज n कब बनेगी? When sin x is 1. उसके आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता, sin x 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता. देखो 1/n 1 से छोटा है, 2/n 1 से छोटा है, 3/n 1 से छोटा है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारी वैल्यूज जो sin x ले रहा है, sin x ये जो सारी वैल्यूज ले रहा है बेटा, ये सारी वैल्यूज 1 से छोटी हैं. 1 से बड़ी तो वैल्यू ले नहीं सकता, 1 मैक्सिमम ले सकता है, बाकी तो 1 से छोटा है, 0 भी नहीं ले सकता कभी. और क्योंकि ओपन इंटरवल 0 से पाई है तो ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है, ये बात भी क्लियर है. तो जरा सोच के देखो बेटा, ये 1/n, जैसे मान लो मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं ये 1 है, तो ये 1 कितनी बार लेगा? केवल एक बार लेगा. 1/n अगर मैं बोलता हूं 1/n, तो 1/n कितनी बार लेगा बेटा? दो बार लेगा, ठीक है, ये दो बार लेगा 1/n. 2/n कितनी बार लेगा? तो 2/n भी दो बार लेगा. 3/n कितनी बार लेगा? तो यार 3/n भी दो बार लेगा. और n minus 1/n कितनी बार लेगा? तो यार n minus 1/n भी ये दो बार लेगा. मतलब ये वाली भी दो वैल्यूज आ रही हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग भी दो वैल्यूज हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग भी दो वैल्यूज हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग भी दो वैल्यूज हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू. sin x की वैल्यू 1 केवल एक बार होगी, बाकी सब चीज दो दो बार होगी. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बेटा अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 कितनी बार लिखा है? n minus 1 times, 1 से लेकर n minus 1 times 2 लिखा हुआ है, तो 2 into n minus 1 और प्लस 1, मतलब ये आ गया 2n minus 2 plus 1, मतलब 2n minus 1. इतने ऐसे बेटा टोटल पॉइंट्स होंगे, 2n minus 1 पॉइंट्स. There will be 2n minus 1 पॉइंट्स जहां पर डिस्कंटिन्यूटी बेटा आ रही होगी. ये बात हमको समझनी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, आपको याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज बेटा मैंने आपके सामने इसको डिराइव भी कर दिया है, तो ये चीज आपको बेटा समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना. तो अब बेटा क्विकली मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. हो सकता है अगर आपने मुझसे क्वाड्रेटिक पढ़ी हो तो आपको आता भी हो. मैं क्विकली बेटा एक बार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और जो उसका बेसिक एक आर्टिकल है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम बेटा अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है बेटा. देखिए मैं आपको बस आज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता क्या है उसकी थ्योरी लिखा देता हूं, उसको बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सवाल उस पर बेटा हम कल करेंगे, ठीक है. टॉपिक आप डालेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको आप आईवीटी भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम विच कैन बी सेड एज आईवीटी ऑल्सो, ठीक है. स्टेटमेंट बेटा इसका क्या होता है? स्टेटमेंट होता है if f is a continuous function on closed interval a से b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मैं देखा हूं क्लोज्ड इंटरवल,
ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों. If f is a continuous function on closed interval a से b and f of a is not equal to f of b and f of a is not equal to f of b, then for some value of c, then for some value of c belonging to open interval a से b, then for some value of c belonging to open interval a से b, there exist. या इसको आप ऐसा करो, स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल लो. देन फॉर सम वैल्यू, ऐसा लिख, देन फॉर सम वैल्यू सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल एफ ए से एफ बी, देन फॉर सम वैल्यू सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल एफ ए से एफ बी, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए से बी, देन देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट बिलोंगिंग इन ओपन इंटरवल ए से बी, फॉर विच f of x not is equal to c. ये बेटा स्टेटमेंट है, मैं एक बार रीड कर देता हूं. If f is a continuous function on closed interval a से b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा. Then for any value of c belonging to open interval f a से f b, there is at least one number x not in a to b for which f f x not is equal to c. है ना, there exists some c लिख सकते हो, या at least एक तो होगा. आप इसको ऐसा लिख लो, there exist at least one x not, या सम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सम में भी वही बात है कि एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो होगा. there exist at least one number x not belonging to open interval a से b for which f of x not is equal to c. बोलने का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं. देखिए आप बेटा इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए आपको बेटा बोला जा रहा है कि यार a से लेकर b तक आपके पास क्या बोला जा रहा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है a से लेकर b तक. तो a पर मान लेते हैं इसकी वैल्यू fa है और b पर मान लेते हैं इसकी वैल्यू fb है. तो a पर इसकी वैल्यू fa है, b पर इसकी वैल्यू fb है और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है. ये एक कंटिन्यूस फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इंक्रीज होता हुआ फंक्शन. मुझे बोला जा रहा है a पर इसकी वैल्यू fa है, b पर इसकी वैल्यू fb है, ये y equal to fx का ग्राफ है. If f is a continuous function on closed interval a से b, आप देख सकते हैं a से लेकर b तक a पर डिफाइंड है फंक्शन, b पर फंक्शन डिफाइंड है और कंटिन्यूस है closed interval a से b. fa is not equal to fb, आप देख सकते हैं fa और fb दोनों अलग अलग है. देन फॉर सम वैल्यू c, इनके बीच में बेटा कोई एक c ऐसा होगा, इन दोनों वैल्यूज के बीच में c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल fa से fb, fa से fb के बीच में इनके बेटा कोई c एक होगा, जहां पर आप देख सकते हैं बेटा, जहां पर एक इसके करिस्पोंडिंग वैल्यू आएगी x नॉट. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x नॉट, कम से कम एक ऐसा x नॉट आएगा belonging to open interval a से b, a से b के बीच में, for which f of x not is equal to c. कि जब आप इस function में, ये जो y equal to fx function, जब आप इस function में x की जगह x not डालेंगे, तो f of x not बेटा जो होगा, f of x not किसके बराबर आएगा, c के बराबर आएगा. ये statement का मतलब है. Intermediate value theorem बेटा आपने class 11th में ही पढ़ा है. Class 11th में आपने क्या intermediate value theorem पढ़ा है, quadratic में मैं आपको बता दूं. Intermediate value theorem बेटा class 11th का जो था वो ये बोलता था कि अगर हमारे पास एक continuous function है इस तरीके का, मान लीजिए ये मैंने एक क्यूबिक का ग्राफ बनाया, continuous function, और इसमें बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि यार a से लेकर b तक के बीच में ये कोई पॉइंट a है, एंड लेट अस इमेजिन ये हमारे पास कोई पॉइंट b, a से लेकर b तक के बीच में. तो a पर देखिए बेटा, a पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, या आप इसको देखो, ऐसा भी आप मान सकते हो, आप इसको ऐसा लो, यहां मत मानो, यहां से तो एक ही रूट आएगा, यहां मान लो, ये b मान लो और आप इसको a मान लो, ऐसा लो, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट a है, ये आपके पास पॉइंट b है. देखो a पर बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, a पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, b पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, b पर बेटा फंक्शन की वैल्यू
पॉजिटिव है, ए पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, बी पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। मुझे बोला जा रहा है कि ए पर देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए आएगी, बी पर इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, बी पर इसकी वैल्यू एफ ऑफ बी आएगी। तो एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक के बीच में, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक के बीच में ऐसा कोई एक सी लाया करता होगा, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक के बीच में ऐसा बेटा कोई एक सी लाया करता होगा, सच दैट उस सी के करस्पॉन्डिंग ये आपको एक्स नॉट मिलेंगे। या सी यहां ले सकते हो या यहां भी ले सकते हो, मान लो आपने यहां पर सी लिया तो इस सी के करस्पॉन्डिंग देखो आपको कम से कम एक एक्स नॉट मिलेगा। यहां पर आपको तीन मिल रहे हैं, एक्स नॉट भी मिल रहा है, एक्स वन भी मिल रहा है, एक्स टू भी मिल रहा है, जहां पे एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी सी है, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू भी सी है, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू भी सी है। यही आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बेटा क्लास 11 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरीके का होता है ग्राफ, कि मान लीजिए ऐसा हमारे पास कोई ग्राफ है कि फंक्शन की वैल्यू देखो इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे नेगेटिव है, और अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन था तो अगर फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव है किसी एक पॉइंट पे नेगेटिव है तो 100% तुम्हारा ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा होगा, और अगर तुम्हारा ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस करके जा रहा होगा तो वहां पर रूट आएगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैंने क्लास 11 से बताया था, अगर आपको ये वाली चीज समझनी हो तो आप बेटा 11th की प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर मिलेगा, उसमें बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स आएगा, लोकेशन ऑफ रूट्स जैसे ही मैं खत्म करता हूं तो मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम उसमें बताता हूं, ठीक है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है ना कि यार देखिए अगर आपको एक एफ ऑफ ए मिल रहा है विच इज पॉजिटिव, ये अगर आपको एफ ऑफ बी मिल रहा है विच इज नेगेटिव, तो इनके बीच में ऐसा कोई एक सी होगा जिसको आप जीरो भी मान सकते हैं, जहां पर आपको कम से कम एक एक तो एक्स नॉट मिलेगा ही मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, आप इस ग्राफ को भी देखकर समझ सकते हैं कि अगर ये एफ ऑफ ए है ये एफ ऑफ बी है तो इनके बीच में कोई ना कोई सी के लिए एक एक्स नॉट आ रहा हो, बहुत इजी सी बात है, ठीक है। इस पे सवाल कैसे बनते हैं बेटा मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ थ्योरिटिकल जो इसका एस्पेक्ट है बेटा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दिया है कि आपके पास एक तो सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए बेटा क्लोज्ड इंटरवल में, कंटिन्यूटी आपके पास होनी चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, तब आपको कोई ना कोई उसके बीच के वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक आध एक्स नॉट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट एक है ना, फॉर सम एक्स नॉट आपको मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट वो सम में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं आपको तीन ऐसी वैल्यूज मिल रही है जिसमें फंक्शन की वैल्यू सी है, यहां पर आपको सिर्फ एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसमें फंक्शन की वैल्यू सी, ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसमें आपको इन दोनों वैल्यूज के बीच में सिर्फ एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसमें फंक्शन की वैल्यू सी। ये एक बड़ा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। अब मैं आपको एक ये चीज भी बता दूं कि मैंने यहां पर बेटा क्लोज्ड इंटरवल पे इतना ज्यादा एम्फेसिस क्यों किया, मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि क्लोज्ड इंटरवल पर ही होना चाहिए, अदरवाइज क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, आप ऐसे समझिए। इमेजिन करिए मैं आपको बेटा एक ऐसा ग्राफ देता हूं, मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूं इस तरीके का कुछ, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट आपके पास बी है, और ये ए से बी में बेटा आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड है एक स्ट्रेट लाइन जैसा मैंने बनाया, ये ओपन इंटरवल है, ये यहां पे हॉलो है, यहां पर बेटा इसकी वैल्यू क्या मिल रहा है आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, और इस बी पर बेटा इस बी पर इसकी वैल्यू मान लो आपको मैं पॉजिटिव कर दूं, ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। अभी आप देखिए क्या ये इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, क्या ये क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है क्या, कंटिन्यूअस नहीं है ये, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, भले बाउंड्री पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है लेकिन है तो डिसकंटिन्यूअस, ये ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन क्लोज इंटरवल ए से बी में डिसकंटिन्यूअस है। मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात ही कब करनी है, क्लोज इंटरवल ए से बी में, ओपन में नहीं बात करनी, मैंने बात करनी है क्लोज इंटरवल ए से बी। मैं आपको ये बोल रहा हूं बेटा देखिए अगर आप यहां पर बोलेंगे कि सर आईवीटी लगाइए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि देखो फंक्शन की वैल्यू ए पर एफ ए है, फंक्शन की वैल्यू ए पर क्या है एफ ए है which is negative, फंक्शन की वैल्यू बी पर एफ बी है
विच इज पॉजिटिव। तो यार स्टेटमेंट तो ये बोलता है ना कि यार अगर आपको एफ ए से एफ बी के बीच में फंक्शन आपका डिफाइंड, अगर एफ ए से एफ बी के बीच में आपका बेटा फंक्शन डिफाइंड है, तो कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट तो ये होता है कि यार अगर एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से तो जीरो के करस्पॉन्डिंग भी आंसर मिलना चाहिए, रूट आना चाहिए। यही तो मैं अभी आपको पिछले वाले में बता रहा था कि अगर इस तरीके का मान लो मेरे पास ग्राफ है कि फंक्शन की वैल्यू एक वैल्यू पर पॉजिटिव है एक वैल्यू पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर बीच में कहीं पर एक रूट आएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अगर आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो बीच में कहीं पर एक रूट आएगा। यही चीज तो मैं आपको बोल रहा था कि बीच में कहीं पर रूट एक आएगा जिसमें वो जीरो भी हो रहा होगा, कि नेगेटिव से पॉजिटिव अगर सारी वैल्यूज ले रहा है तो जीरो भी लेगा कहीं पर। लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो रही। क्यों जीरो नहीं हो रही? क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, दिस इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। इसी का देखिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मैं आपके पास इस तरीके का कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, ये हमारे पास कुछ ऐसा एक ग्राफ है और ये हमारे पास ऐसा ग्राफ, इस तरीके का मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया, ठीक है। ये आपके पास बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर बेटा आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए विच इज नेगेटिव, दिख रहा है आपको। पॉइंट बी पर बेटा आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ बी विच इज पॉजिटिव। तो यार एफ ऑफ ए नेगेटिव है एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, तो यार उस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अगर तुम बोलते तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था? रूट मिलना चाहिए था। अगर एफ ऑफ ए नेगेटिव है एफ ऑफ बी पॉजिटिव है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से तो रूट मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा बेटा क्योंकि दिस इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। आपको स्टेटमेंट क्या बोला गया है? स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में। पहली बात तो इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए ए से बी का, इस तरीके का ग्राफ नहीं होना चाहिए, ए से बी हर जगह फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल, और कहीं पर भी एक डिस्कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए बेटा। आप देख सकते हैं ये देखो, ये इनफाइनाइट टाइप की नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, कभी भी डिस्कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, हमेशा आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में, हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ए से बी में हर जगह आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऑटोमेटिकली बेटा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से रूट आ जाएगा। या आप रूट की बात करें या इसमें और जिस तरीके के इलस्ट्रेशंस होते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोबारा आपके लिए बेटा रीड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कंटिन्यूटी थ्रू द इंटरवल क्लोज ए से बी इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरम। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, दैट कंटिन्यूटी थ्रू द इंटरवल क्लोज्ड ए से बी क्लोज्ड इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरम, जो चीज मैं बोल भी रहा था, ठीक है। आप अगर बेटा चाहें तो इस पूरी चीज को एक या दो दफे रिवाइंड करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ध्यान से नोट्स बना लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए बेटा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए सबसे पहली बात, और बेटा दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूअस होने के साथ साथ वो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में होना चाहिए, ना ही वो ए से बी में डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ना ही वो ए से बी में इस तरीके की राइट और लेफ्ट साइड में डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली बेटा, अगर आपका फंक्शन प्रॉपरली डिफाइंड है ए से लेकर बी तक, ढंग से अगर आपका बेटा फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी तक, तो 100% आपको एफ ए और एफ बी के बीच में कोई ना कोई एक्स नॉट मिलेगा। ये देखिए, ये एफ ए है विच इज पॉजिटिव, ये एफ बी है विच इज नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं एफ ए से एफ बी के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, आपको कोई ना कोई एक्स नॉट मिलेगा ही मिलेगा, ये बात श्योर, ठीक है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे, इस पे जो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको वो भी कराऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो अपना शानदार सा एक फीडबैक के रूप में कमेंट डालना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये जो कंटेंट है ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और आपको इस सीरीज से बेटा फायदा हो रहा है या नहीं होगा। हमारे जितने भी बेटा नए स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन करिए ताकि आपको सारे लेक्चर के अपडेट समय से मिल पाए, और होमवर्क के लिए प्रैक्टिस शीट भी आपको उसमें मिले ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को रेफर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।